हेलो फ्रेंड्स, मार्केट की बात करते हैं। मार्केट में तेज़ी बनी हुई है, शेयर बाज़ार ऊपर की तरफ ही कारोबार कर रहा है। निफ्टी 50 18,000 के ऊपर है और इस बीच नतीजे भी आ रहे हैं और जिन कंपनियों के नतीजे अच्छे हैं तो उनमें एक तरह से तेज़ी देखने को मिल रही है। एच डी एफ सी लिमिटेड के नतीजे आने वाले थे 4 मई 2023 को, तो बीच मार्केट में अपडेट आ गया है। तो एच डी एफ सी लिमिटेड की बात करते हैं, नंबर्स को चेक करते हैं और डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हुआ है। जिनके पास एच डी एफ सी लिमिटेड है तो स्टॉक प्राइस आज के दिन की बात करते हैं, इस वक्त ये 2,850 के आसपास कारोबार कर रहा है। और हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का मर्ज एच डी एफ सी बैंक में होगा। दोस्तों, ये काफ़ी समय से, जैसे कि खबर आपको पता ही होगा, इसका मर्जर एच डी एफ सी बैंक में होगा, तो रेशियो के हिसाब से एच डी एफ सी बैंक के शेयर मिलेंगे। और ये जो नतीजे हैं, चौथी तिमाही के जो नतीजे हैं और ये लास्ट नतीजे रहेंगे, और डिविडेंड दिया गया है कंपनी की तरफ से, तो निवेशकों को डिविडेंड मिलेगा और नेक्स्ट जो नतीजे होंगे एच डी एफ सी बैंक के होने चाहिए। फिलहाल हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के नतीजों की बात करेंगे और स्टॉक प्राइस 2,863 में इस वक्त कारोबार कर रहा है, 4 मई 2023 को। तो सबसे पहले डिविडेंड की बात करते हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएं। और एच डी एफ सी लिमिटेड की बात कर रहे हैं तो डिविडेंड देखिए, जो अपडेट आया है कंपनी की तरफ से, जो डिविडेंड का अपडेट आया है, 44 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, रिकमेंड किया है। इंट्रियम डिविडेंड है दोस्तों ये 44, एक भी शेयर अगर एच डी एफ सी लिमिटेड का है तो 44 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा निवेशकों को। और इसका जो रिकॉर्ड डेट है वो है 16 मई 2023। इस डिविडेंड का जो रिकॉर्ड डेट है 16 मई 2023, इसी डेट के अनुसार पेमेंट होगा। और पेमेंट डेट है डिविडेंड का, जो पेमेंट डेट है, पे आउट है 1 जून 2023। 1 जून 2023 को डिविडेंड का पेमेंट होगा और 44 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया गया है। एक भी शेयर है तो डिविडेंड मिलेगा, लेकिन रिकॉर्ड डेट के अनुसार। दोस्तों, अब 10 हैं 20 हैं 100 हैं 1000 हैं वो देखिए आप। फिलहाल ये अपडेट है डिविडेंड का। अब फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं, रिजल्ट की बात करते हैं। एच डी एफ सी लिमिटेड के ये नंबर्स हैं, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के। और 31 मार्च 2023 के क्वार्टर में जो रेवेन्यू है 16,272 करोड़ का है, 16,272 करोड़ का है, करोड़ में नंबर्स हैं ये। और 15,146 करोड़ का दिसंबर के क्वार्टर में था और 31 मार्च 2022, एक साल पहले, 11,660 करोड़ का। तो रेवेन्यू बढ़ा है, इंटरेस्ट इनकम बढ़ कर आया है एच डी एफ सी लिमिटेड का, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का। और भी देखिए, जो इनकम है उसको अगर हम प्लस करके देखते हैं अदर इनकम को, तो टोटल इनकम की बात कर लेते हैं सीधे से, 44,653 करोड़ का, 44,653 करोड़ का है। और 41,223 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था और एक साल पहले 35,059 करोड़ का था। तो देखिए, बढ़ कर आया, टोटल इनकम बढ़ा है तिमाही दर तिमाही के हिसाब से भी और सालाना भी। और ये जो टोटल इनकम है 44,653 करोड़ का है दोस्तों। अब एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं, कंपनी का जो एक्सपेंसेस है उसी के अनुसार फिर प्रॉफिट भी आ जाएगा। तो कंपनी का जो एक्सपेंसेस है, देखिए एक्सपेंसेस 2,328 करोड़, टोटल इनकम है 44,653 करोड़ का है और कंपनी को प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो 9,304 करोड़ का है, 9,304 करोड़ का है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और इसमें देखिए सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8,004 करोड़ का है, 8,004.95 करोड़ का है, 7,077 करोड़ का दिसंबर के क्वार्टर में था और एक साल पहले 6,892 करोड़ का। तो प्रॉफिट बढ़कर आया है एच डी एफ सी लिमिटेड का, 8,004 करोड़ का प्रॉफिट है। और अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो देखिए, जो अर्निंग पर शेयर है कंपनी का EPS, और ये है 41.67 का दोस्तों। बात करते हैं अर्निंग पर शेयर की तो 41.67 का दोस्तों। तो एक तरह से एच डी एफ सी लिमिटेड के जो नतीजे हैं, अच्छे नतीजे हैं ये, और प्रॉफिट भी बढ़कर आया है, रेवेन्यू भी बढ़कर आया है। और ये जो नंबर्स थे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है ये,
जो नंबर्स हैं HDFC लिमिटेड के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है 31 मार्च 2023 तक। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 5,25,225 करोड़ का है, फेस वैल्यू 2 रुपीज का है और बुक वैल्यू पर शेयर है 1,048 का और डिविडेंड यील्ड है 1.05 का। डिविडेंड भी दिया जाता है कंपनी के द्वारा, तो अब की बार डिविडेंड दिया गया है और एक तरह से लास्ट रिजल्ट होगा HDFC लिमिटेड का। इसके बाद ये स्टॉक जो है मर्ज हो जाएगा HDFC बैंक में। रेशियो के हिसाब से इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को HDFC बैंक के शेयर्स मिलेंगे। तो ये नतीजे हैं दोस्तों। और HDFC लिमिटेड का जो प्राइस परफॉर्मेंस रहा है 3 साल का 66% का रिटर्न है आज तक का, ये 4 मई 2023 तक, और 1 साल का रिटर्न है 29% का। तो एक तरह से देखिए इसका जो बुक वैल्यू है 1,048 का है, बट ये कि अंडर परफॉर्म किया पिछले कुछ समय से। अब नेक्स्ट 2-3 महीने में जिस तरह के नतीजे हैं तेजी भी देखने को मिल सकती है, तो फिर आप अपने अनुसार देखिए कि जो मर्ज होना है एक तरह से HDFC बैंक में मर्ज होगा। तिमाही के नतीजे हैं हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के, अच्छे नतीजे पेश किए हैं और ये लास्ट नंबर्स होंगे। इसके बाद ये स्टॉक मर्ज हो जाएगा HDFC बैंक में दोस्तों। तो रेशियो के हिसाब से इन्वेस्टर्स को शेयर्स मिलेंगे। फिलहाल डिविडेंड दिया गया है तो डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा, तो समय लग रहा है, थोड़ा बहुत समय लग सकता है रिजल्ट तक ये उसमें मर्ज हो जाएगा। तो HDFC लिमिटेड का ये चौथी तिमाही के नतीजे हैं और ये लास्ट रिजल्ट हो सकता है HDFC लिमिटेड का। तो जिनके पास HDFC लिमिटेड है तो डिविडेंड लेना चाहिए, और स्टॉक जिनके पास HDFC लिमिटेड है तो उनको HDFC बैंक के शेयर मिलेंगे रेशियो के हिसाब से। तो ये चौथी तिमाही के नतीजे हैं और मार्केट कैप जैसे कि, और तो ये चौथी तिमाही के नतीजे हैं। अगर शेयर प्राइस की बात करते हैं तो इस वक्त शेयर प्राइस नतीजों के बाद एक तेज़ी देखने को मिल रही है, लगभग 2-2.5% ऊपर की तरफ है 2,864। अगर मार्केट ऊपर की तरफ ही रहेगा तो ये 3,000 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये आपको फैसला करना है, निर्णय करना है कि कितना समय हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को देना है। और अब तो प्रॉफिट भी हो रहा होगा क्योंकि इसका 52 वीक लो है 2026 का और 52 वीक हाई बन गया है 2,867 का, आज ही बना है। तो स्टॉक अगर हाई बनाता है तो फिर और तेज होने की संभावना रहती है दोस्तों। तो ये हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का लेटेस्ट अपडेट है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।